और बंध लगाते हैं, उड्डयन बंध इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, उड्डयन बंध ही बताएंगे, ज्यादा और नहीं बताएंगे, ज्यादा कठिन उड्डयन बंध में कुछ नहीं करते हैं। सांस बाहर निकालते हैं, पेट पिचका लेते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं, इजी है तरीका, मैं बता दे रहा हूँ कैसे किया जाता है, इसीलिए मैं बताने आया हूँ कैसे किया जाता है सरल तरीके से। उड्डयन बंध में आप पूरा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, आपको सांस बाहर निकालना है, सांस बाहर निकाल के सिर्फ रोक लेना है। तो उससे क्या होता है, जब आप किसी बैलून में से हवा निकाल देते हैं ना, तो क्या होता है, बैलून पिचक जाता है। वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका, सांस बाहर निकाल लीजिए, इससे आपकी सारी गंदगी, मृत्यु का एहसास एक पल के लिए, जब पूरी तरीके से आप श्वसन को बाहर निकाल देते हैं तो मृत्यु का एहसास एक पल के लिए होता है आपकी पूरी बॉडी। आयु कई विधि है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए हिमांशु जी करके दिखाएंगे इसको। सांस बाहर निकालेंगे और पूरा पेट जितना हो सकेगा पिचका देंगे। इधर पेट दिखाओ कैसे, सांस बाहर निकाल के पूरा पेट पिचकाएंगे, सांस बाहर निकालेंगे पूरा पेट पिचकाएंगे। ये इसको सांस बाहर निकाल के जितना ज्यादा हो सके पेट को अंदर खींचेंगे, पेट को अंदर खींचने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, कैसे तरीका होता है, इसका तरीका ये है कि पूरा पहले सांस बाहर निकालने के लिए कैसे करते हैं, पूरा सांस ऐसे ये कर दिया सांस बाहर, सांस बाहर निकाल के बस सांस को रोके रहिए, अपने आप ये बैलून जो है पिचक जाएगा और आपका जो आंख है उसकी जो साइज एक्सपेंड कर जाती बढ़ जाती है। ठीक है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। गैस के लिए पवन मुक्त आसन हिमांशु जी करके दिखा देंगे एक बार। पवन मुक्त आसन जैसा नाम है वैसा इसका काम है, पवन को मुक्त करता है, इसीलिए पवन मुक्त आसन है। और इसका प्रैक्टिकल इंटरनेशनल योगा डे में दिखता भी है, जब पवन मुक्त आसन सब एक साथ करते हैं तो थोड़ा आ जाता है माहौल। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे में आप जब जाएंगे तो पता चल जाता है कि आता है सचमुच में ये चीज। और एक बहुत इफेक्टिव चीज और बता दे रहे हैं, जिनको गैस होता है आ गई नॉर्मल पोजिशन में। ठीक है, एक और इफेक्टिव है, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, इसका क्योंकि दीपक की तैयारी हो रही है। खाना खाने से पहले जिनको बहुत ज्यादा गैस है, प्रॉब्लम है, अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करके खाना खाएं। अगर आपकी जठराग्नि प्रदीप्त है, आयुर्वेद में कहा गया है जब तक आपको भूख न लगे खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना बेकार होता है, पेट में गया सड़ेगा। ठीक है, भूख लगेगा ऐसे या भूख नहीं लग रही तो खाना खाने से पहले ये मुट्ठी कस के बांधेंगे, पूरी ताकत लगा के मुट्ठी को बांधेंगे, खोलेंगे, करके देखिए 10 दिन, मुट्ठी को बांधेंगे खोलेंगे, मुट्ठी को बांधेंगे दोनों हाथ से और उसके बाद खोलेंगे 10 बार करेंगे, आप देखिएगा ये 5 उंगलियां जाती है, 5 पॉइंट प्रेस करती है, जिसमें आपकी किडनी, लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, ये चार चीज प्रेस होता है। इसको प्रेस करने से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और उसके बाद जो कुछ भी खाएंगे वो पचता नहीं है, ब्लास्ट हो जाता है और पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप 2 दिन नहीं खाएंगे तो हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है। ठीक है, योगी लोग होते हैं हफ्तों भर भी नहीं खाते तब भी चल जाते हैं, और कुछ भी खा ले सब पच भी जाता है। तो ये गुण आप लोगों के अंदर भी आए उसके लिए योग का अभ्यास प्रतिदिन करें। दूसरी चीज, यहाँ पे भी योग की क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर सिखा जी ने कहा कि योग की क्लास रेगुलर चलनी चाहिए सही तरीके से।